तो दिल्ली के झांसी रोड स्थित एक फैक्ट्री में सुबह भीषण आग लग गई और 43 लोगों की जान गई है। सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली बीजेपी ने मृतकों और घायलों को मुआवजे का ऐलान कर दिया। हर बार यही तो होता आया है, घटनाएं होती हैं, लोगों की जान जाती है, खाना पूर्ति के लिए कमेटियां बनाई जाती हैं और फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है और एक के बाद एक हादसे होते रहते हैं। दिल्ली अग्निकांड में सियासत भी शुरू हो गई है और हो भी क्यों ना, राजधानी में चुनाव जो नजदीक है, ऐसे में दिल्ली सरकार को घेरने के लिए इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता। अग्निकांड में कई लोग अकाल मौत की काल में समा गए। शायद सियासतदानों के लिए सियासत के ऊपर कुछ नहीं है, संवेदनाएं व्यक्ति की, लेकिन सियासत के तौर पर क्या संवेदनाएं व्यक्त करना और मुआवजे का ऐलान करना ही इसका समाधान है? क्या ये पहली बार हुआ है? पहले भी आग लगी, लोगों की जाने गई, जांच की बात कही गई, लेकिन क्या हुआ सबको पता है, एक बार फिर ऐसा ही हो रहा है। अग्निकांड के बाद केंद्र की मोदी सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली बीजेपी की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं किसने क्या ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने घटना की जाँच के आदेश दिए है और 7 दिन के अंदर पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। दिल्ली सरकार मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देगी और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही केजरीवाल सरकार घायलों का मुफ्त इलाज भी करवाएंगे। जब केजरीवाल सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया तो बीजेपी थोड़ी पीछे रहेगी। दिल्ली सरकार के बाद बीजेपी ने भी घोषणा की पोटली खोल दी। दिल्ली बीजेपी ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की, साथ ही घायलों को 25-25 हजार रुपए देने की भी घोषणा की। पीएम मोदी ने घटना के बाद मुआवजे का ऐलान किया। पीएमओ की ओर से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही गई। इसके अलावा घायलों को भी 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया। क्या मुआवजा देने से मृतक के परिजनों को न्याय मिल जाएगा? क्यों हर बार घटना के बाद मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है? क्यों घटना की सही वजहों को नहीं तलाशा जाता है? हर बार यही हुआ है, कार्रवाई का भरोसा दिया जाता है, जांच कमेटी गठित की जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। आखिर कब तक मुआवजे का लॉलीपॉप चलता रहेगा? सवाल कई है, लेकिन हर बार इंतजार जवाब का होता है जो कभी नहीं मिलता। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।